नसीम साहब को सलाम सलाम पाकिस्तान में, आपका मेजबान साजो गौरी, आप देखें प्रोग्राम करवा सच साजो गौरी के साथ। नाज़रीन, मैंने पिछले दिन एक प्रोग्राम किया जहां पर हमारे यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वहां पर एहतजाज किया, और उस एहतजाज में और वहां पर जो पार्लियामेंटेरियन यूरोपियन यूनियन की, वो भी वहां पर एक नुमाइंदा वहां पर पहुंचा, उन्होंने भी प्रोटेस्ट का हिस्सा बने और बातचीत की। और हमारे साथ यूरोपियन मसीही एक्शन कमेटी जो है उनके मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज़ किया। और हमारे साथ चौधरी खालिद साहब मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, और पास्टर जस्टिन भट्टी साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि उस दिन जो प्रोटेस्ट किया गया और वहाँ पर जो ओवरसीज लोग जो थे पाकिस्तानी, उन्होंने वहाँ पर एक मीटिंग भी की बाद में प्रोटेस्ट के बाद, तो उसमें जो एक्चुअल जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तानी कौम के लिए, उसके ऊपर क्या क्या बातें हुई, तो आइए ज़रा इनसे जानते हैं। जी जस्टिन भट्टी साहब और चौधरी खालिद साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ मैं अपने करवा सच प्रोग्राम में। तो आप ज़रा बताइएगा कि उस दिन प्रोटेस्ट में क्या क्या आपने डिमांड्स रखी, और इस जो प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किन लोगों ने किया? जी, तमाम सामने की खिदमत में यूरोपियन पाकिस्तानी एक्शन कमेटी के ऑर्गेनाइजर की तरफ से तादाद 10 नवंबर 10:30 बजे हमने एक बड़े प्रोटेस्ट का इंतजाम किया यूरोपियन पार्लियामेंट बेल्जियम ब्रसेल्स के सामने, ताकि पाकिस्तान के अंदर होने वाले जो मसालम हैं इनके ऊपर बेहतर तौर पर आवाज उठाई जाए। और उस प्रोग्राम के अंदर, इस प्रोटेस्ट के अंदर खुशाइन बात यह है कि पूरे यूरोप से, यूके से, फ्रांस से, जर्मन से, इटली से, हॉलैंड से, यानी तकरीबन जहां जहां पाकिस्तानी मसीही यूरोप के अंदर मौजूद हैं, उन सबों ने उसके अंदर शिरकत की। और वहां पर भरपूर प्रोटेस्ट जो है वो किया गया, ताकि हम दुनिया की कौमों को और दुनिया की अथॉरिटीज को बता सकें कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी मसीहों के साथ और अकलियतों के साथ क्या हो रहा है। और वहां पर एक बहुत बड़ी बात ये हुई कि यूरोपीय पार्लियामेंट के एक मेंबर जो है वो आए और उन्होंने वहां पर अपनी भरपूर स्पीच दी, और उन्होंने हमारी डिमांड्स के साथ जो कुछ हमारे मुतालबात थे उनके साथ उन्होंने एग्री किया, और उन्होंने कहा कि हम यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर भी इसके ऊपर बात करेंगे। तो जो हमारी डिमांड्स थी, फोर्स कन्वर्शन, जबरी तब्दीली मजहब, अंडर मैरिज, जिस तरह हमारी बेटियों को, हिंदू बेटियों को उठा लिया जाता है और वो 10-11 साल की होती है, 12 साल की होती है, उनकी उम्र शादी की भी नहीं होती, गुड़ियों के साथ खेलने की उनकी उम्र होती है, उनको उठा लिया जाता है और फिर जाली कागजात बनाकर उनको 18 साल से ओवर करके, तो उसी शाम जो है उसका निकाह कर दिया जाता है, और फिर अगले दिन उसको अनाउंस कर दिया जाता है कि ये इस्लाम कबूल कर चुकी है। तो इन सारी चीजों के खिलाफ हमने भरपूर मुजाहरा किया और आवाज उठाई। तो हमारे इस प्रोटेस्ट के 3 हिस्से थे। पहला हिस्सा था यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करना। तो 10:30 से 1 बजे तक हमारा वहां पर एहतजाज था। शुरुआत ने बड़ी हिम्मत के साथ वहां पर खड़े रहे, उस दिन बारिश भी थी, सर्दी भी थी, लेकिन अपनी कौम की मोहब्बत और अपनी कौम का जो दर्द था उसको लेकर कोई भी वहां से हिलने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है वो था यूरोपियन कमीशन के अंदर हमारा एक जो प्रोग्राम था वो पहले से तय था कि यूरोपियन कमीशन के नुमाइंदा के साथ हमारी मुलाकात हुई, और वहां पर भी हमने इन सारी चीजों को बयान किया। तो वहां पर हमारे वफद के हिस्सा में 6 लोग जो हैं, 6 लोगों का ये वफद जो है वहां पर उनका यूरोपियन कमीशन का नुमाइंदा था, तो उनके साथ हमारी मुलाकात हुई और तकरीबन 2 घंटे तक हमारी मुलाकात रही। और उस 2 घंटे के अंदर
हमारी उनके साथ बड़ी तफसीली मुलाकात हुई और सानिहा जड़ावाला के ऊपर उनके साथ तफसीली गुफ्तगू की गई और उसके अलावा माजी में जितने भी पाकिस्तानी मसीहों के ऊपर जो मुसालिम हुए और घरों को जलाया गया, चर्चिस को जलाया गया और बड़ी बड़ी आबादियों को शांति नगर जैसे और लाहौर की जो कॉलोनी है जोजफ कॉलोनी उसके बारे में, तो हर चीज के बारे में बड़ी तफसील के साथ उनसे बातचीत हुई और बाद में हमने अपनी जो एक रिपोर्ट थी हमारे पास हमने वो वहां पर उनको हैंड ओवर की और उनकी तरफ से भी हमें यकीन दिलाया गया कि वो हमारी इन सारी जो चीजें हैं इनके ऊपर जरूर हमारे लिए वहां पर यूरोपियन कमीशन के अंदर बात करेंगे ताकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेहतर तौर पर जो है वो काम किया जा सके। दूसरा वहां पर जोसेफ जॉनसन साहब थे, तो जोसेफ जॉनसन साहब ने इस बात को बड़ी दलेरी से वहां पर किया के यूरोपियन जो है यूरोपियन यूनियन जो है वो पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस दे रही है, तो ये सिर्फ इसलिए है कि वहां पर अकलियतों को और खास तौर से इंसानी बुनियादी हकूक को जो है वहां पर महफूज किया जाए, तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। तो उन्होंने कहा कि इस बात के लिए यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए कि जब एक चीज और फंड्स आपको मिल रहे हैं तो इन फंड्स का दुरुस्त जगह पर इस्तेमाल करें। उसके बाद हमारी इस प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा जो है वो शाम के वक्त चौधरी खालिद सादिक के घर पे ही मुनक्कद किया गया और वहां पर सारे शुरका जिन्होंने प्रोटेस्ट के अंदर हिस्सा लिया था वो वहां पर मौजूद थे। उस हवाले से अगर आपके पास कोई और सवाल है तो आप जरूर कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी ही इसके ऊपर काम हो रहा है और सारे जड़ा मतलब की अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर जो है उसका अजाला किया और चर्चिस को बना के दिया, घरों को बना के दिया, लोगों को फंड भी दिए, तो इस पे आपके क्या ख्याल आते हैं? जी बहुत शुक्रिया साजिद गौरी साहब, सबसे पहले आपके प्लेटफॉर्म से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस काबिल समझा यूरोपियन पाकिस्तान क्रिश्चियन एक्शन कमेटी को तो आपके प्रोग्राम में आए और जो भी हमने अपनी कम्युनिटी के लिए जो भी हम कर सकते थे प्रोटेस्ट के हवाले से, मीटिंग के हवाले से या जो भी प्रोग्राम हमने किया पिछले हफ्ते में तो उस बारे में हमारी राय ले सकें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी सारी टीम का शुक्रिया। जी इस पर मैं बात करूंगा कि हमारा वहां जैसा कि पास्टर जस्टिन बकी साहब ने कहा कि हमारे चार पॉइंट थे और इन्हीं पॉइंट पे हमारी जो बात हुई, हमारी प्रोटेस्ट भी इन्हीं पॉइंट्स पे था कि ये जो पाकिस्तान में आए रोज मुख्तलिफ मसीहों के साथ मुस्लिम मसीही आबादियों पे इस तरह के जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, उसके मुताबिक हमारा मकसद भी यही था कि उन मजालम के खिलाफ जो आए रोज मुख्तलिफ तरीकों से हमारी कम्युनिटी, हमारी बहनों भाइयों और बच्चों के साथ इस तरह के जुल्म उठाए जाए, उनके साथ जुल्म किया जाता है, तो उस बारे में हमारा मकसद भी यही था कि कम अज कम यूरोपियन पार्लियामेंट और यूरोपियन कमीशन जो है वो इन चीजों को इंश्योर करवाए ताकि हमारे लोग, हमारी बहनें, हमारे बेटियां, हमारे भाई पाकिस्तान में, क्योंकि हम बेसिकली पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान बनने से पहले हम वहां पे मौजूद थे, लेकिन अभी चंद सालों से आप भी और सारे लोग जानते हैं कि ये जो सिलसिला है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इन्हीं हालात को मद्देनजर रखते हुए हमने जो कि यूरोपियन एक्शन पाकिस्तानी क्रिश्चियन कमेटी है, इन्होंने यही बेहतर समझा कि हम यूरोप में रहते हुए हम उन बहनों की, उन भाइयों की, उन बेटियों की आवाज बने ताकि आप जो पाकिस्तान में रहते हैं आपके लिए आसानियां पैदा हो। लेकिन अगर बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, उन्होंने तो, मैं यही सवाल किया था आपसे कि उन्होंने तो अजाला कर दिया, तो इस पे उस बात की दलील है पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट हमारी है उन्होंने घर भी बना के दिए, फंड भी दिया, चर्च भी बना के दिए, तो इस पे आप क्या कहेंगे? जी मैं सबसे पहले तो अगर बात करें गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट में
जो भी प्रॉब्लम्स हुए वो आप सब जानते हैं। अगर लॉ इन्फोर्समेंट अगर टाइम पे ये सारी चीजें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और पुलिस और बाकी सारे जो है वो अदारे टाइम पे आ जाते तो शायद इस तरह के जो वाकयात होते हैं वो ना होते। अच्छा। लेकिन यहाँ पे मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और बाकी सारे अदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस प्रॉब्लम के बाद वो आगे आए और उन्होंने हमारे मसीह बहन भाइयों की मदद की, घरों को बनवाने में भी, चर्चिस को उनकी तामीर करने में भी या उनकी रेनोवेशन करवाने में भी, और लोगों की जिंदगी को, उनकी जो डेली लाइफ है उनको बहाल करने में भी उन्होंने काफी हद तक उनकी जो मदद की है। मैं उसके लिए सारी एजेंसियों का, पाकिस्तानी अदारों का और उन मुस्लिम भाइयों का भी और बहनों का भी शुक्रगुजार हूँ जो इस काम में आगे आए और जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हमारे बहन भाइयों की जो मदद की। अच्छा जस्टिस साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं तो आप क्या समझते हैं कि हमारे जो नुमाइंदगान हैं और हमारी मुख्तलिफ पार्टीज बनी हैं वो रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि उनको आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने की जरूरत है या कि वही सिलेक्शन सिस्टम में जाए? कि हम शुक्रगुजार हैं जैसा चौधरी साहब ने कहा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, प्राइम मिनिस्टर के, एजेंसीज के, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त थे, उस वक्त वो चीफ जस्टिस नहीं थे, हम सब के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि ये सब कुछ हो जाने के बाद उन्होंने आकर जख्मों पर मरहम रखा। लेकिन एक बात जो इंतहाई काबिले अफसोस है वो ये है कि मजलूमों को और जिन पर जुल्म हुआ उनको पकड़कर पाबंद सलासल किया गया और वो लोग जो हमला करने वाले थे उनको आस्ता आहिस्ता रिलीज किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है और उनको करार वाकई सजाएं नहीं दी जाती माजी में भी और आज अब भी ऐसा सिलसिला चल रहा है। तो मैं आपके इस चैनल के त्वस्त से आत्मा मदारों को और सब लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बड़े मेहरबानी ऐसे वाकयात की और सानेहात की रोकथाम के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दी जाए पाकिस्तानी आईन के मुताबिक, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक। और ये अदलिया की तरफ से मैंने पहले एक वीलॉग किया, एक वीडियो जारी की थी और मैंने मौजूदा चीफ जस्टिस से ये दरख्वास्त की थी उसमें कि अब चीफ जस्टिस साहब आपके जहाद का वक्त है क्योंकि अब आप चीफ जस्टिस बनने वाले हैं तो आपको यहाँ पर बैठ कर अदालत लगाने की जरूरत है ताकि जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ है उनको इंसाफ मिले। हमारे प्रोग्राम का उस दिन तीसरा हिस्सा जो है वो शाम के वक्त था जब सारे प्रोटेस्ट के जो लोग थे वो वहां पर मौजूद थे तो वहां पर इस हवाले से भी कुछ लोगों ने बात की। तो मैं ये समझता हूं कि ये भी पाकिस्तान के अंदर अकलियतों के साथ एक बड़ा जुल्म है कि जो अक्सरियत है वो तो अपने नुमाइंदे इलेक्ट करती है इसलिए कि वो ताकतवर है तो वो अपने नुमाइंदे इलेक्ट करती है और जो कमजोर हैं ताकतवर उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जो लोग सिलेक्ट होकर असेंबलीज में जाते हैं हमारे ख्याल के मुताबिक वो पाकिस्तानी अकलियतों के नुमाइंदे नहीं, वो उन लोगों के नुमाइंदगान हैं जो उनको सिलेक्ट करते हैं। दूसरी बात, अब वक्त की ये अहम तरीन जरूरत है कि हमारे लोग अपनी पार्टीज को, जो रजिस्टर्ड पार्टी है उनको ये मेरा पैगाम है कि वो अपने नुमाइंदगान को हर जगह पर उनके मद्दे मुकाबल खड़ा करें ताकि हम अपने इलेक्टेड नुमाइंदगान जो है उनको असेंबली के अंदर, उनको पार्लियामेंट के अंदर लेकर जा सकें ताकि वो हमारी ठीक आवाज जो है उसको पार्लियामेंट के अंदर बयान करने वाले हो सकें। और हमारे वहां पर हमारे एक बड़े ही मोहतरम जर्नलिस्ट थे चौधरी शफीक उस्समा साहब, तो उन्होंने इस बात पर भरपूर इजहार किया था कि अगर कोई इलेक्ट रजिस्टर्ड पार्टी अपने लोगों को खड़ा करती है तो ये मुल्क पाकिस्तान के अंदर मसीहों के लिए बड़ा खुश होगा और अपने हकूक की जद्दोजहद करने के लिए और ज्यादा एक बेहतर कदम होगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया पास्टर जस्टिन साहब आपका और चौधरी खालिद साहब आपका, आपने हमें टाइम दिया और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी ऐसे मामले होते हैं जिसको गवर्नमेंट फौरी तौर पर उसके ऊपर अमल दरामद करती है और फौरी तौर पर जैसा जड़ावाला का सानिया हुआ वहाँ पर लोगों को फंड भी दिया गया, चर्चिस बनाए गए,
लेकिन फिर भी पाकिस्तान से बाहर जो ओवरसीज लोग हैं वो पाकिस्तान की लोगों के लिए, मसीही लोगों के लिए आवाज़ बनने के लिए तैयार हैं और हर बात को एक आला सतह के प्लेटफॉर्म पर लेके जाते हैं ताकि वहाँ पर बेहतर तरीके से आवाज़ जो है गवर्नमेंट तक पहुँचे और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर ध्यान दे, क्योंकि ये फ़र्ज़ हमारा भी है कि हम भी अपने प्लेटफॉर्म पर उस आवाज़ को रेज़ करें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, मुझे कैमरा को जा दिए, खुदा हाफिज़।